जय सदगुरुदेव जय पर श्री मृगमोहन वटनाम्रत भाग एक परिच्छेद पंद्रह बाबा हरिदास घृणा से निवृत्ति स्थान सिकंदराबाद समय सायंकाल पांच बजे अपतु अजामिल गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव कह कहां लगी नाम बड़ाई राम न सक नाम गुण गाय धीरे धीरे सभी भाई बाहर आंगन के में बिछे फर्श पर फर आकर चुपचाप बैठने लगे सामने की ओर एक बड़ा तकिया लगा दिया गया तथा एक चौकी पर कुछ पुस्तकें रख दी गई समय होने पर श्रीमान परम पूज्य दत्ताजी महाराज डॉक्टर चतुर्भुज सहाय डॉक्टर श्री कृष्ण सहाय जी तथा मुंशी मदन मोहन लाल जी पधारे तके की बाई और श्रीमान परम पूजनी दत्ताजी महाराज विराजे तथा दाहिने ओर पूजनीय डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी डॉक्टर श्री कृष्ण जी व मुंशी मदन मोहन लाल जी विराजमान हुए उधर सारे ही सत्संगी भाई आकर चुपचाप जमा हो गए सबने आंखें मीच ली और बिल्कुल मौन हो बैठ गए दास जिधर देखता सब आंखें बंद किए नजर आते परम पूज्य ने महाराज तथा डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी डॉक्टर श्री कृष्ण सहाय जी, जी व अन्य सभी भाई आंखें मीच कर कुछ करने लगे दास असमंजस में था किसी ने कुछ कहा सुना कुछ भी नहीं और आंखें मीच कर ये क्या होने लगा यह सब क्या ध्यान कर रहे हैं इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि ध्यान कैसे करना चाहिए अब मैं क्या करूं थोड़ी देर इसी उधेड़बुन में रहा और फिर ख्याल आया परम पूजनीय दत्ताजी महाराज ने फरमाया था उसका नाम पकड़ लो वो जैसा है सामने आता जाएगा यह विचार कर दास ने भी आंखें मीच ली और चुपचाप राम राम करने लगा यह भी इसकी कोशिश रही कि राम नाम के अतिरिक्त कोई और विचार मन में ना आए लगभग आठ या दस मिनट तक इस प्रयत्न में लगा रहा कि इसकी टांगों में दर्द होना आरंभ हुआ दास ने कोशिश की कि मन इस दर्द की ओर न जाए और राम राम का उच्चारण बराबर बना रहे परंतु दर्द अधिकाधिक बढ़ता ही गया थोड़ी देर बाद दर्द की इतनी तीव्रता बढ़ी कि बर्दाश्त के बाहर हो गई अब ध्यान छोड़ ये अपनी टांगे इधर उधर करने लगा बार बार आसन बदलता हाथों से टांगे दबाता इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो टांगों से प्राण ऊपर की ओर खींच रहे हों। इसी परेशानी में यह भी सोचता रहा कि यह प्रोग्राम न मालूम कब समाप्त होगा जब तक यह प्रोग्राम चलता रहा दास को बड़ी परेशानी रही साथ साथ-साथ ये भी सोचता दूसरे सब कैसे आराम से बैठे ध्यान कर रहे हैं यही बदकिस्मत है जो ध्यान करने की बात तो अलग एक आसन से बैठ भी नहीं सकता कोई कोई तो आराम से खर्राटे ले रहे हैं उन्हें अपने शरीर का सुदबुद भी नहीं है और एक ये अभागा है जो टांगे इधर उधर पीट रहा है अपनी कमजोरी दिल में खटकने लगी और ये कुछ रुलासासा हो गया इतने में ही परम पूज्य ने महाराज तथा अन्य सब बुजुर्गान ने जो तकिये समीप बैठे थे आंखें खोली धीरे धीरे सभी भाई सचेत होने लगे और ऐसा मालूम हुआ कि एक चुप एक आसन में बैठने का यह प्रोग्राम समाप्त हुआ अब इसकी जान में जान आई दास अपनी कमजोरी और बेबसी पर बड़ा शर्मिंदा था और इत... इतने इसने बड़े ही दीन भाव से परम पूजनी दद्दाजी महाराज की ओर ललचाई हुई आंखों से देखा और फिर नीची गर्दन कर बैठा रहा इसके पश्चात पूजनीय डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी महाराज ने परमाया आज प्रातः काल आप भाइयों के सामने अभ्यास के साधनों पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है इस समय तो मुझे एक कहानी याद आ रही है जो आपके समक्ष रखूंगा इसे आप कहानी ना समझें ये वाकया है जो कुछ समय पहले गुजरा कलकत्ता के एक प्रसिद्ध सेठ सायकाल के समय अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं दिन भर के थके मांदे हैं परंतु किसी सोच में डूबे हैं घर में धन है स्त्री है और बच्चे भी हैं सबसे बड़ा लड़का अच्छा लायक है और उसने व्यापार का कामकाज भली प्रकार संभाल लिया है आपका घर हुगली नदी के किनारे है सेठ जी मौन होल लेटे लेटे ही विचार सागर में डूबे हैं कि इतने में ही एक नाव वाले ने आवाज दी दो पैसे में पार हो जाओ सेठ जी ने आवाज कई बार सुनी और सोचते रहे फिर एक साथ उठे कपड़े पहने कुछ रुपए साथ लिए जेब में डाले किनारे पर पहुंच दो पैसे देकर पार हो गए पार जाकर हावड़ा स्टेशन पहुंचे गाड़ी में बैठ चले गए और फिर कभी वापस कलकत्ता न आए ये सेठ जी घूम फिर कर मथुरा और वृंदावन पहुंचे ब्रज भूमि में आज भी इन्हें साधन क्षेत्र दिखाई दिया जिस पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अनेक लीलाएं की उसमें आज भी उन्हें आकर्षण मालूम हुआ वृंदावन पहुंचकर सेठ जी ने गृहस्थ आश्रम की वेशभूषा बदल डाली और संन्यास ले लिया अब भिक्षा करते हैं और जो मिलता उसे पाकर सारा समय आध्यात्मिक चिंतन में लगाते उन्हीं दिनों यहां पर एक माने हुए प्रसिद्ध परम संत बाबा हरिदास रहते थे ये कभी कभी उनके दर्शनार्थ जाया करते थे धीरे धीरे मन उनकी ओर खींचने लगा उधर इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर वृंदावन में बनवा दिया जाए सेठ ने कलकत्ता एक चिट्ठी लिखी पैसे की कमी न थी उचित स्थान प्राप्त कर सेठ ने मंदिर का कार्य प्रारंभ किया परंतु जमीन पर झगड़ा बराबर वाले मंदिर के मालिक से हो गया बराबर वाला मंदिर बंबई के एक धनी सेठ का बनवाया हुआ था जो अक्सर वृंदावन में ही आकर रहता था अधिक समय इनका वृंदावन में ही गुजरता था इसलिए घर पर भी तथा मंदिर में भी नौकरों चाकरों तथा चौकीदार वगैरह का बड़ा माकूल इंतजाम था जमीन के एक हिस्से को यह मंदिर का बताते थे और कलकत्ता का सेठ कहता था उसके मंदिर का है इसी के लिए मंदिर अधूरा बना पड़ा रहा और मुकदमेबाजी शुरू हुई मुकदमेबाजी के कारण आपस में बड़ी तनातनी थी मुकदमा जजी कचहरी यानी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा हाई कोर्ट से बंबई वाले सेठ की जीत हुई तो कलकत्ता वाले सेठ ने मुकदमा प्रीवी काउंसिल तक पहुंचाया यहां तक आपस में दुश्मनी बढ़ी कि बंबई के सेठ ने अपने विश्वस्त कर्मचारियों को कलकत्ता के सेठ को जान से मार डालने की गुप्त हिदायत कर दी और इसके लिए बड़ा इनाम भी रख दिया यह लोग मौके की तलाश में रहने लगे मंदिर का काम मुकदमेबाजी हो जाने के कारण बीच में ही बंद कर दिया गया अब कलकत्ता के सेठ की दो बड़ी इच्छाएं रह गई थी एक तो मंदिर का पूरा होना और दूसरी परमसंत बाबा हरिदास से जिनकी सेवा में अक्सर वह जाया करते थे दीक्षा प्राप्त करना जब कभी भी सेठ जी महात्मा जी से दीक्षा प्रार्थना दीक्षा की प्रार्थना करते वह यही कहा कह दिया करते थे कि अभी समय की प्रतीक्षा करो समय आने पर सब कुछ स्वयं ही हो जाएगा जहां पात्र बना सब कुछ स्वयं ही हुआ सेठ उत्तर सुन उदास हो एकांत में बैठता और विचार करता अभी पात्र नहीं बना धन छोड़ा संपत्ति छोड़ी बीवी छोड़ी बच्चे छोड़े कपड़े छोड़े खाना पीना छोड़ा साधु वृत्ति करता हूं तीन घर मांग कर भोजन करता हूं जैसा मिल जाता है वही खाता हूं धरती पर सोता हूं और बराबर ईश्वर चिंतन में लगा रहता हूं पर तो भी पात्र अभी भी न बन पाया संत की वाणी है इसमें रहस्य कुछ ना कुछ अवश्य है महात्मा जी कहते हैं अपना हृदय शुद्ध करो पात्र बनाओ फिर साक्षात्कार तो हुआ ही रखा है हृदय किस प्रकार शुद्ध करूं न काम है न क्रोध ही है न मोह है न लोभ है और जब कुछ है ही नहीं तो अहंकार का सवाल ही पैदा नहीं होता सेठ आज निश्चय करके बैठा है कि सोना नहीं जब तक भगवान इसकी कमी न समझा देंगे ईश्वरीय ध्यान के साथ साथ रात्रि भर सेठ आत्मनिरीक्षण सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता रहा जाहिरा कोई कमी नजर आती नहीं आती जाहिरा कोई कमी नजर नहीं आती पर पात्र अभी तक नहीं बना है क्या बात है बीच बीच में परमात्मा से प्रार्थना करता है हे ईश्वर इस पतित को उबारो इसका पात्र ठीक करो इसे इसकी त्रुटि दर्शा दो ताकि यह उसे दूर कर सके यही क्रम सारी रात चलता रहा काल होने लगा लगभग तीन बजे सेठ को नशा सा मालूम हुआ और इसी नशे में उसे नींद आ गई इस नींद की हालत में उसने एक आवाज सुनी अरे मूर्ख साधु बनने का दावा करता है परंतु बंबई वाले सेठ के यहां से जिससे मुकदमा चल रहा है भिक्षा क्यों नहीं करता मुकदमे के कारण घृणा करता है मान अपमान में फंसा है बंबई के सेठ के घर भिक्षा कर अपना हृदय शुद्ध कर साधु को सब बराबर हैं, घृणा को दूर कर ये आवाज सुनते सुनते ही सेठ जाग गया सोचने लगा सोया था या जागा? कुछ भी हो कल यही करना है देखें अभी भी पात्र बनता है या नहीं ऐसा सोचते सेठ उठ बैठा प्रातः काल के नित्य नियमों से निवृत्त हो ध्यान पूजा में बैठा इसके पश्चात स्वाध्याय में लग गया दिन के बारह बजे तो अपना कमंडल उठाया और भिक्षा के लिए चला आज बंबई के सेठ के यहां भिक्षा करनी है आत्मा बलपूर्वक उसको बंबई के सेठ के घर की ओर ले जा रही थी उसका मन उसे बराबर धोखा देने में लगा था क्या कर रहा है कहा जा रहा है उसके यहां जिसने जरा सी जमीन के पीछे तेरे मंदिर के काम में अड़चन डाली उसके यहां जिसने साधु बनने के पश्चात भी इसे मुकदमेबाजी पर मजबूर किया उसके यहां जिसने इसके धन को वकीलों बैरिस्टरों और कचहरी के हलकारों में लुटवाया इतने धन से तो दो मंदिर बनते जनता का कितना उपकार होता उसके यहां जिसमें इतना द्वेष और ईर्ष्या है कि अपने बनवाए हुए मंदिर के पास किसी दूसरे का मंदिर नहीं देख सकता उसके यहां जिससे दांत काटे का वैर रहा वृंदावन के निवासी कहेंगे कलकत्ता वाला ऐसा ही रहा आखिर गया ना बंबई वाले के पैर छूने ऐसा था तो इतना झगड़ा क्यों किया पहले ही पैर पकड़ लेता रुपया भी बर्बाद किया एक घोड़ी के नाल जड़े जा रहे थे मेंढकी ने टांग उठा दी चले मुकदमेबाजी करने उसका मन इन्हीं विचारों से बराबर उसे विचलित करने पर लगा हुआ था परंतु उसकी आत्मा से बराबर यह आवाज आ रही थी जो उसने स्वप्न में सुनी थी अरे मूर्ख साधु बनने का दावा करता है बंबई वाले सेठ के यहां जिससे मुकदमा चल रहा है क्यों नहीं भिक्षा करता घृणा करता है साधु होकर मान अपमान में फंसा है हृदय की इस काली मां को धो बंबई के सेठ के यहाँ भिक्षा कर और अपने हृदय को शुद्ध कर अपना पात्र ठीक कर आत्मा उसको बराबर बंबई के सेठ के घर की ओर ले जा रही थी मन उसके पैर लड़खड़ा देता कभी वो ठहर जाता आत्मा फिर धक्का देती और वो चल पड़ता इसी द्वंद में वो बंबई के सेठ के घर के दरवाजे में घुस गया दरबान ने बाहर ही रोक दिया तुम्हारा क्या नाम है और क्या काम है सेठ ने उत्तर दिया नाम तो परमात्मा का है यह तो सन्यासी है दो मधुकड़ी का सवाल है और काम कुछ नहीं दरबान ने कहा मैं पहचान गया आप तो कलकत्ता वाले सेठ हैं, वही है ना जिनका मंदिर की जमीन पर झगड़ा चल रहा है मैं अभी इतला करता हूं ऐसा कहकर दरबान जल्दी से चला गया और दरवाजे पर किसी दूसरे को रहने के लिए कहता गया रास्ते में सोचता है इसके मारने पर तो मालिक ने इनाम रखा हुआ है गलती की पहले इसे खत्म करता फिर मालिक के पास जाता तो इनाम पाता पैर चलते चलते कुछ रुकते हैं फिर सोचता है अच्छा ही किया अपने अहाते में मारना ठीक नहीं था सेठ को सब हाल बताता हूं अगर हुक्म होगा तो खंजर से एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा अंदर पहुंचकर सेठ को सब हाल बताता है सेठ ने जब सुना कलकत्ता वाला सेठ दो मधुकड़ी का सवाल लेकर आया है तो फौरन ही दरवाजे की ओर लपका दरवाजे पर पहुंचते ही कलकत्ता वाले सेठ ने कहा वृंदावन में हर घर से भिक्षा खाई है सन्यासी का धर्म है मान अपमान छोड़कर भाव त्याग कर तीन गृहस्थ के यहां से भिक्षा करे और हरि चिंतन करे वृंदावन का यह घर अब तक अपने ही मन के दोषों के कारण शेष था आज भगवान की असीम दया व कृपा से यह भी पूरा हो रहा है बंबई वाला सेठ बड़े ही अचरज से यह सब सुनता रहा फिर सन्यासी की ओर देखा अपने नीच इरादे और सन्यासी के विशाल हृदय के अंतर कॉन्ट्रास्ट की कल्पना ने उसके मन व आत्मा में बिजली का सा प्रभाव डाला अपनी नीचता पर उन, उसका हृदय रो पड़ा आंखों से अश्रुधारा जारी हो गई उसका मस्तक झुका और सन्यासी के चरणों पर जा लगा सन्यासी ने सेठ को प्रेम से उठाकर छाती से लगा लिया और बड़े ही प्रेम पूर्ण मधुर वाणी से कहा आप ये क्या कर रहे हैं ये तो भिकारी है दो मधुकड़ी का सवाल लेकर आया है सेठ ने कहा दो मधुकड़ी महात्मा जी ये सारी संपत्ति सारी जायदाद घर बार सब आपका है आप इस पतित नीच को बस क्षमा कर दें, अंदर घर में चले और इस कुटिया को अपनी चरण रस से पवित्र करें यह वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में परम संत बाबा हरिदास आ गए और हरिओम तत्सत का नारा लगाकर दरवाजे में दाखिल हुए सन्यासियों सन्यासी ने जो ही आपको देखा दौड़कर चरण पकड़ लिए बाबा हरिदास ने कहा बच्चा अब समय आ गया हृदय शुद्ध हो गया आज ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी चलो और दीक्षा लो दीक्षा देकर कृतार्थ कर दिया कुछ ही समय बाद यही कलकत्ता वाला सेठ बाबा हरिदास का मुख्य शिष्य प्रसिद्ध हुआ और परम संत बाबा हरिदास के शरीर त्याग के पश्चात अनेक वर्ष परम संत की उपाधि से अलंकृत होकर उस प्रभु में लीन हो मोक्ष पद को पहुंचा इस कहानी के पश्चात पूजनीय डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी साहब ने फरमाया कि अध्यात्म विद्या सीखने के लिए राग द्वेष सबसे अधिक बाधक है जहां राग द्वेष है वहां चित्त की शुद्धि संभव नहीं और जब तक चित्त शुद्ध नहीं तब तक आध्यात्मिक अनुभव नहीं ये पति दास इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा और साथ ही साथ अपने को टटोलता भी रहा दास में तो परदोष देखने की आदत बड़ी प्रधानता से है हरेक में बुराई नजर आती है वह शराब पीता है वो सिगरेट पीता है वो बड़ा खराब है वो सदाचारी नहीं है वो चरित्रहीन है वो झूठा है वह रिश्वतखोर है अपने अनेक साथियों को इसलिए घृणा करता है अब यह भाव प्रेम में बदल लूंगा कोई कुछ करे पर मैं घृणा किसी से न करूंगा एक पश्चात आपकी भावना इसके हृदय में कहानी सुनने के साथ साथ दौड़ती जा रही थी डॉक्टर साहब के बाद परम पूज्य दत्ताजी महाराज ने फरमाया संत दूसरों में कमी नहीं देखते अपनी ही कमियों को देखते रहते हैं और उनको दूर करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं जो दूसरों में कमी देखता है दूसरों के प्रति द्वेष तथा घृणा के भाव रखता है उसका हृदय हजार प्रयत्न करने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता पर निंदा संतों के लिए महापाप है ये काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार से भी हजार गुना खतरनाक है संत तो सदैव अपनी ही ओर देखते रहते हैं अपनी ही कमियों तथा गंदगी को साफ करने के प्रयत्न में बराबर लगे रहते हैं उनके पास समय कहाँ जो दूसरों की ओर देखे इसके पश्चात रुला से परंतु बड़े ही मधुर तथा हृदय पर प्रभाव डालने वाले कंठ से निम्नलिखित अशार गाए इलाही इंतहा इक करता हूं खताओ सहब का बंदा हूँ इस्तफार करता हूं वक्त तुलू देखा वक्त गुरूब देखा अब फिक्र आखिरत है दुनिया को खूब देखा और पे मुआतरज थे लेकिन नजर जो डाली अपने ही दिल को हमने गंजे अयूब देखा श्री परम पूज्य दद्दा महाराज के इस गाने ने तो इसके दिल को पिघलाकर मोम ही बना दिया इसका दिल रो उठा अपनी गंदगी पर और आंखों से टप टप आंसू निकल पड़े क्योंकि समय अधिक हो चुका था सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ और सब भाई अपने अपने कमरों में चले गए परमात्मा तू ही है तेरी इच्छा पूर्ण हो